शास्त्रों में सावन मास के महत्व को विस्तार से बताया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। बता दें कि सावन मास में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है, इसलिए जो व्यक्ति सावन के महीने में महादेव की पूजा करता है उन्हें जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में सावन मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 4 जुलाई से ही सावन मास का शुभारंभ हो गया है और अधिक मास के कारण यह 2 महीने का होगा। ऐसे में भगवान शिव की भक्ति के लिए 2 महीने भक्तजन सेवा कर सकते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की और इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दिया था। इसीलिए मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से वह आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश में श्रावण मास का प्रथम सोमवार है आज और सुबह से भक्तों का माताएं बहनें बच्चे बच्चियां सारे बाबा का अभिषेक पूजन दर्शनार्थ भी कर रहे हैं और संध्या काल तक इसी प्रकार हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के भक्त उस दर्शन पूजन करेंगे। श्रावण मास में भगवान शंकर के जो भी देश और दुनिया में भक्त हैं वो सभी भगवान शंकर को पूजन और अभिषेक करके अपनी सारी मनोकामनाएं जो भी मन वांछित कामनाएं हैं उनकी सबकी प्राप्ति करते हैं और भगवान शंकर सबको पूर्ण पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। श्रावण के महीने में बहुत पूजन पाठ ना करके भी अगर थोड़ा सा भी पूजन पाठ या जलाभिषेक रुद्राभिषेक और कई प्रकार के अनुष्ठान हैं वो सब करके भगवान शंकर को मनाया जाता है और भगवान शंकर सभी भक्तों को जो भी उनकी कामनाएं हैं उनको पूर्ण करते हैं। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय न्यू कृष्णा एम्पोरियम कॉलेज रोड कांगड़ा।